हाँ जी, मैं जंगवीर, गांव कुहाड़, नज़दीक धरीशती का मंदिर, मैं बालाजी के नाम से झाड़ा लगाता हूँ। और जो हम कोई भी शरीर का रोग हो, बिल्कुल यहाँ से झाड़ा लगवाते ठीक होके जाते हैं। और कौन कौन से रोग? या घुटना दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, भाई ओपरी पराई हो, बच्चे ना होते हो, कुछ भी हो शरीर का रोग, वो बाबा की दया से सभी रोग कटते हैं यहाँ पर। और मेरे पास क्या है, मैं तो एक ज़मींदार आदमी हूँ, मैं शनिवार मंगलवार को यहाँ बैठता हूँ, चढ़ाओ के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, मैं फ्री सेवा करता हूँ, जब तक करूँगा मैं फ्री ही करूँगा। और जो मेरे पास था उसको जो है बिल्कुल 100% ठीक हो के यहाँ से जाता है, यहाँ से जो आदमी पकड़ के लाते हैं और वो वापिस अपने आप चल के जाता है। ये है, मेरी कोई फीस नहीं है, कोई मतलब नहीं, मैं ज़मींदार आदमी हूँ, अपने खेत में काम करता हूँ, ट्रैक्टर रखता हूँ, शनिवार और मंगलवार को यहाँ मैं बैठता हूँ। कोई भी आओ, अपना मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर अपना वो करके आओ, मैं यहीं मिलूँगा। और 10:15 से झाड़े का टाइम शुरू होता है और शाम में 7 बजे तक लगता है, किसी टाइम कोई आओ। आपका फ़ोन नंबर क्या है जी? फ़ोन नंबर 97-28-87-30। अच्छा, और जो आते हैं उनको घर से क्या लेके आना है? कुछ भी नहीं लेके आना जी, अपना शरीर लेके आओ और वापस ठीक हो गया यहाँ से जाओ। अच्छा, हाँ जी। आप एड्रेस फिर से बताना। एड्रेस जी, गांव में जंगवीर, गांव कुहाड़, ज़िला भिवानी, नज़दीक दादी सती का मंदिर, और मैं जो है यहाँ पर अपने झाड़ा लगाता हूँ। आप अपने घर पे ही लगाते हो? हाँ जी बिल्कुल, घर पे लगाता हूँ। घर पर चढ़ाव के लिए कोई सता नहीं है मेरे पास, मैं कुछ किसी से लेता नहीं। और अपना जो है ना, दो बंदे पकड़ के वहाँ से बाहर से यहाँ तक ले आते हैं, और जाने के टाइम वापिस अपने आप चल के जाता है बंदा। ये है जी मेरा। अच्छा। तकलीफ कोई हो शरीर के अंदर, सभी तकलीफों पर झाड़ा लगाया जाए, बाबा की मेहरबानी से तुरंत असर होता है, कोई भी आओ सदा जाता है। अब बिल्कुल मेरे इतने % इस झाड़े में फर्क है, यहाँ पर कोई भी आता हो, कितना भी दर्द हो, बिल्कुल ठीक हो के जाओ, किसी प्रकार की तकलीफ हो। जी कहाँ से हो? टिगड़ाना था। अच्छा जी, आप ये बालाजी धाम आए हो? हाँ। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये पाया, दिक्कत थी मेरे मुड़े नहीं कर दिखाती भी। क्या ये पा बिल्कुल यार इकट्ठी हो गया दी, कोई नहीं मुड़ा रही मेरे, बहुत घना 80-70% मेरा आज आराम से। अच्छा, पैर में क्या क्या होया करता था? कुछ मेरे चलता जी, जिसका मेरा नस जन खेड़ के चले आता, मुड़िया नहीं करता मैं। ना मैं खूब जिदा में टाइल भी ली हूँ, मूडी पर बैठ के दूध भी काट लूँ, पाँव पसार के दूध काट डालता। अच्छा, हाँ दूध भी काट लूँ हूँ, मूडी कहते फिर बैठना पड़ा मूडी पर। कितने झाड़े में? पाँच छठा झाड़ा हाल। अच्छा, आराम कितने झाड़े में? आराम तो हो गया था, सुर वाला झाड़ा मेरे तो पहले झाड़े में। हाँ, थोड़ा 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 होंदा 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 होंदा, बस एक झाड़ा भी बीच में मान को नहीं पाया गया मंगलवार, नहीं तो आज पूरे हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाए। और लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं यह कहना चाहूँ भाई, झाड़ा लगवाओ, कोई अगला लेना देना कुछ है नहीं, महारत आराम से पूरा जी। और भी गांव के कई थे, उनके भी आराम से, खोरपुरी का था उसके भी आराम से बुढ़ गए। तो यह कहना चाहूँ महारा आराम खूब से, झाड़ा कोई दवाई देना नहीं कुछ, और नहीं झाड़ा लगा दिया, झाड़ा आराम पर। हाँ जी, कहाँ से हो? मैं टिगड़ाना से हूँ जी। अच्छा, मेरा 3-4 साल से गैस की प्रॉब्लम थी, सर में दर्द हो जाता, वीक लग जाती, इंजेक्शन लगवाना पड़ा करता, बहुत ज़्यादा दवाई ली, कोई आराम नहीं मिला। फिर किसी भगत ने बताया, यहाँ आया मैं, बाबा दया था, मेरे पहले झाड़ा में 70-80% आराम हो गया था, अब मैं बिल्कुल फिलहाल ठीक हूँ। अच्छा, गैस से क्या हो जाया करता? गैस से सर में चढ़ जाती, उल्टी लग जाती, बीपी लो हो जाता, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, ना आराम मिला करता, घूमते रहो थोड़ा बहुत चैन मिल जाए, लेटते तो बुरा हाल हो जाता। अच्छा, फिर दवाई नहीं ली? दवाई ली, बहुत ज़्यादा दवाई ली, भी वाणी से ली, देसी ली, और कोई कहीं बता दे वहीं भी गया, और भी कहेंगे, लेकिन किसी भगत नहीं आगा बता, माया भी मेरा चौथा झाड़ा है, मैं 100% ठीक हूँ फिलहाल में। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहोगे? वीडियो देख रहे भाई साहब, आओ, आए बाबा ही दया था, आप सो के सो ठीक होगे, एक बार आओ यहाँ पर। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ चमत्कार? हाँ, चमत्कार है बिल्कुल, मेरी तरफ से चमत्कार है। अच्छा, thank you.
हाँ जी, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम सतपाल चौहान है, मैं राजस्थान अलवर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पर आए हुए हो, तो क्या दिक्कत है? मेरे घुटनों में दर्द रहता है काफ़ी दिनों से, और मेरे ससुर जी का भी रहता था, उन्होंने बताया, वो पहले आए हुए हैं भरतपुर से। अच्छा, तो उनको बहुत काफ़ी आराम। आप कितनी बार आए हो? मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। अच्छा, कुछ आराम है? हाँ जी आराम है, मेरे काफ़ी आराम। अच्छा, आपके जो रिश्तेदार हैं उनको कितना आराम है? उनको काफ़ी आराम है, वो तो 3-4 बार आ लिए। अच्छा, उनको क्या दिक्कत थी? उनके घुटनों में दर्द था और कमर में दर्द रहता था, रीढ़ की हड्डी में, तो फ़ायदा है उनको। अच्छा, तो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया? नहीं, मेडिकल तो उन्होंने दवाइयाँ ली थी, उनसे इतना फ़ायदा नहीं हुआ, इस झाड़ी से बहुत फ़ायदा हुआ है। बाबा का आशीर्वाद है, बहुत अच्छा। आपने दवाई नहीं ली? मैं तो दवाई गुड़गांव से ली थी एक बार अलवर से भी, तो उनमें इतना वो नहीं हुआ, इसमें थोड़ा फ़ायदा लग रहा है बहुत काफ़ी। अच्छा जी। हाँ जी, क्या नाम आपका? नाम छत्रपाल सिंह कहते हैं मुझे। कहाँ से हो? जिला अलवर, तहसील लक्ष्मणगढ़, बड़ौदा में हो। तो आपने झाड़ा लगवाया है? हाँ, झाड़ा लगवाया यहाँ। क्या दिक्कत है? ये घुटनों वाली। अच्छा, क्या दिक्कत है घुटनों में? दर्द भी होता था और सूजन भी रहती है। अब बहुत कुछ फ़ायदा हो गया, 80% से ज़्यादा ही ज़्यादा फायदा था। अच्छा, तो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया? अरे साहब, खूब वो कई बार उन्होंने एक्सरे वगैरह करवाया था अलवर में, और बाकी तो डॉक्टर भी क्या करें, खराब हो रहे हैं। अच्छा, दवाइयाँ कहाँ कहाँ ली आपने? दवाइयाँ अलवर की भी काफ़ी ली, बड़ौदा मेव भी ली। बड़ौदा मेव के नियर में ही गाँव है छोटा सा। अच्छा, और कहाँ से ली दवाई? बस वो तो कहीं बराण, तो इधर ही पड़ता है मैम के पास। अच्छा, उनसे आराम नहीं हुआ? उनसे आराम नहीं हो पाया, जब तक वो भी इंग्लिश किसी डोज देते थे। अच्छा, देखा जी कितना खत्म हो गया, वो बताओ। कोई इसमें जो कम से इसमें थोड़ा खत्म हो गया, पहले था पहला तो इसी से थे। अच्छा, ये सोजन झाड़े से उतर गया? झाड़े से। अच्छा, कौन से झाड़े में उतर गया था? बस तीसरे से ही उतर गया, दो लगवाने के बाद तीसरे से ही, मैं तो खूब आराम हो गया। अच्छा, अब पांचवा चल रहा है, आज पांचवा हो लिया। ओके, तो यहाँ कुछ खर्चा लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल धर्मार्थ एकदम। अच्छा, मैं बता देते कि अपना मंगलवार नहीं प्रसाद बांटा करो, तो एक बार प्रसाद बांटा है। कहाँ बांटना होता है? भाई बालाजी के नाम का भोग लगाओ मंदिर वगैरह। अच्छा, अपने घर जाओ। हाँ, फिर बच्चों को मिश्री वगैरह जो भी यहाँ पर कुछ ले हो गए, ये बताओ। ना, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं, फ्री सेवा है। और चाय वगैरह और रोक लेते हैं, चाय पियो, ये है वो है, कोई ना। ठीक है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ से हो जी? उसको नहीं दे। अच्छा जी, यहाँ जो बालाजी धाम पर आए हुए हो आपको आड़ में, क्या दिक्कत है? एकदम क्या है? दर्द है। अच्छा, चालन को दे। अच्छा, तो दवाई नहीं ली? दवाई ली कई जगह दे, रोहतक दे लिया, मसार दे लिया, कुआड़ दे लिया, ना उसने के है रो शुआड़ दे भी लिया, कईयां ने मालिश करनी बताई, कईयां देसियां पर दवाई ले ली, कोई फर्क नहीं। और उड़े भी गाँव था वह भर वास से के हुआ बराने शनिवास भी गाँव। अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, शनिवास झाड़ा लगवाया आपने? हाँ, झाड़ा लगवाया। कोई नहीं, तीन बार। अच्छा, तो यहाँ आने से क्या? यहाँ आने से मेरे 65 पीछे फर्क है। कितने झाड़े में? 7वां झाड़ा लिया। अच्छा, अरे खूब चालू हूँ ना, चलिया कौन ज़्यादा, ठीक है, उठे बैठे नहीं ज़्यादा, 10 ढंग नहीं चलिया ज़्यादा, और वो भी डोगा लेगी, आज मैं बिना डोगा 20 के ले चले था, इतना फर्क। अच्छा, देख कितने साल से दिक्कत थी? 5-6 साल तक। बहुत बढ़िया जी, तो आप जो है और लोगों को क्या कहना चाहोगे, यहाँ कुछ करामात है या फिर वैसे ही है? मैं तो न्यू कहना चाहूँगा भाई, फर्क लगे थे मेरे भी, इतना लग गया, ये जो मन करे सारा भी चला जाएगा, रहोगा उस बात का लिख के, मेरा जो 25 पीछे फर्क रह गया है, जो रहोगा जाओगा उस बात में मैं आज कह नहीं सकता। 65 पीछे ठीक हो गया, मतलब करामात लगी आपको यहाँ? करामात लगी। अच्छा, हाँ, तो यहाँ कुछ खर्चा पानी लिया जाता है? खर्चा पानी कर देता है, क्योंकि चाह दे करते हैं। अच्छा, हाँ, खूब आए तौर करे थे, ओके प्याओ से, ओके भरे हैं, चाह बनाओ से, चाह प्याओ से, हम तो न्यू और कहाँ भाई, क्यों खर्चा ठा रहे तो ले थे कोई नहीं, फ्री सेवा है यहाँ पर। यहाँ तो चढ़ावा चढ़ाने की जगह ही नहीं है, सीधा ही झड़ा लगवाओ और अपने घर जाओ। आप कहाँ से आए हो? लिटिग्राणा से आए। अच्छा, तो यहाँ जो है बालाजी धाम पर आ रहे हो आप कुआड़? हाँ जी। किस लिए आ रहे हो? जी घुटनों में सारा दर्द से, मेरे जोड़ों में। अच्छा, खूब आराम है मेरे। कितने दिन से था दर्द? ना तो बहुत साल हो गए मेरे, कोई गठिया बा बता दे, कोई किम बता दे, फिर मैं दवाई भी ले, दवाई लेऊँ इतना आराम, फिर वो काम। अच्छा, ये बीच में मैंने कोई दवाई भी नहीं ली, झाड़ा लगवा के गई हूँ, खूब आराम है।
दम बैठ भी जाऊँ चीस में भी खूब फर्क है ना, तीस चल जाती सोजन आ जाता, सोजन भी उतर आई बहुत ज़्यादा। कौन सा झाड़ा में आराम हो गया था? चौथा झाड़ा आई आज। आराम कौन सी में हो गया था? आराम तो मेरे सरों में लगा था जिदे हो गया था आड़े खूब पाँ मेरा हड़का हो गया था ना बहरापन सा पाँ था मेरा खूब आराम से। अच्छा आपको क्या दिक्कत है? मेरे पैरों में ही दर्द रहता था। अच्छा बैठा उठा ना जाया करता, दो चार जगह से दवाई भी ली कुछ आराम ना हुए मतलब। अब मैं आराम से बैठ लूँ धरती में ना, मेरे पे धरती में बैठना जाया करता है, सरती टेक के उठना कमर में दर्द रहेगा। कितने साल से? ये तो आठ दस साल हो गए। अच्छा आठ दस साल से बैठे नहीं जा। अब क्या पोजीशन है? अब ये भगत जी के पास आया ना, जब से पहला झाड़ा मैंने जब दिया तो ऐसे बैठने लगी, अब ना ऐसे बैठना जाया करता मेरे पे। अच्छा हाँ। पहले ऐसे नहीं बैठे? बहुत आराम है। भगत जी एक रुपया भी यहाँ चढ़ाने नहीं देते, प्रसाद भी अपने घर जाके बांटो, और भाई भगवान इनका बहुत भला करे, मैं तेनों कहें हमारे सबके आराम जो भी हम आवे। ये पहली बार आई इनसे। कितना आराम आपको? मेरे तो बहुत आराम समझ लो 80-90% आराम, मेरी इतनी तकलीफ। अच्छा आप कहाँ से हो? अलवर से। अलवर राजस्थान? हाँ। अच्छा क्या दिक्कत आपको? एड़ी में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द। तो आप दवाई नहीं ली आपने? ली दवाई फिर नहीं आराम पर। कितने साल से है? 7-8 साल तक। अच्छा सब जगह दवाई ले ली? हाँ। यहाँ आराम है कुछ थोड़ा बहुत? हाँ मैं वैसे पहली बार आई हूँ, पर नस चटकाए थे आराम मतलब कुछ। आपको किसने बताया? ये हमारी बहन है, इनने बताया। अच्छा उनको क्या दिक्कत थी? उनके भी घुटनों में दर्द था। आराम है? हाँ उनको बहुत आराम। अच्छा उनको आराम हुआ है तो आपको बुलाया? हाँ। अच्छा आप कहाँ से हो? हम अलवर साइड से ही हैं। अच्छा क्या दिक्कत है? घुटनों में दर्द है। तो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया, दवाई नहीं ली? हाँ ली थी, जयपुर से भी ली थी, गुड़गांव से भी ली थी, और अलवर से ले ली, कई जगह से ले ली, कुछ आराम नहीं है। दवा खाती थी इतनी अंग्रेजी दवाई थी, दवा खाती इतने आराम था, उसके बाद फिर होने लग जाता। कितने साल से? ये हो गई 15 साल। 15 साल कोई लाख रुपए लगा दिए होंगे आपने? रुपए तो काफ़ी लगा दिया मैंने। अच्छा कोई असर नहीं हुआ? कोई असर नहीं हुआ। पिताजी आराम? अच्छा अब पिताजी हमारे यहाँ आए हुए हैं, पिताजी का आराम है। उनको क्या दिक्कत थी? उनको भी घुटनों में ही दर्द है, बस बुजुर्ग हैं वो, अब आराम बता रहे हैं यहाँ की जाड़े से। कुछ लेते नहीं है भगत जी, फ्री सेवा है। कितने झाड़े लगवा लिए आपके पिताजी? पिताजी ने 5 लगवा लिए। अच्छा अच्छा उनके कहने पर आए? उनके कहने से हम आए कि चलो बुजुर्गों का ही फायदा है तो हमारे भी फायदा होगा। अच्छा तो कैसा लगा आपको कुछ इधर आने के बाद, फायदा हुआ? अब देखो अभी थोड़ा सा ये मोड़ा माड़ी झाड़ा लगाया ये करा है तो इससे आराम मिलेगा। अच्छा पहली बार आए हो? पहली बार आए। ओके ओके ठीक। हम भी कुछ खाने से हैं जी। क्या नाम है? हरिओम है जी। अच्छा हमारे को 2.5 साल हो गए तकलीफ है ही साथ में। अच्छा सीधे हाथ में, जैसे इससे पेन नहीं पकड़ सकते, कप वो चाबी वगैरह नहीं पकड़ सकते, चम्मच नहीं पकड़ सकते, खाना खाते समय रोटी इससे अगर तोड़ना चाहें तो कई बार टूट के गिर जाती है, इतना ज़्यादा जोर लगा देता है, कई बार छूट जाती है, ढीला हो जाता है, सुन्ना हो जाता है। और अब इसमें लगभग 50% आराम है, मैं इससे खाना खाता हूँ आराम से। अच्छा अब खाना खा लेते हो उससे? हाँ जी। पहले? पहले नहीं खाया जाता था। कितने साल से? 2.5 साल से दिक्कत है इसमें लगभग। अच्छा और 2.5 साल में मैंने कम से कम भी 10 हॉस्पिटलों से दवाई ली, जिसमें 6-7 हॉस्पिटल भिवानी के, 2 हिसार के, एक जिंदल और एक और नसों का डॉक्टर है, क्या कहते हैं न्यूरोलॉजी क्या कहते हैं उससे, उनमें 1% भी आराम नहीं हुआ मेरे को। मेरे रुपए लगे कम से कम भी 55-60 हज़ार। अच्छा इसे पता चला तो हम यहाँ आए, क्योंकि तकलीफ हमारे को थी आराम हो जाए किसी तरह, तो इसमें अब लगभग 50% आराम है, मैं इससे खाना खाता हूँ आराम से। अच्छा इसे चाबी चम्मच और जैसे रोटी तोड़नी है वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकता था बिल्कुल भी। अच्छा, अच्छा। और अब मैं इससे खाना खाता हूँ आराम से, चम्मच भी लेता हूँ, जैसे अच्छा। दही सब्जी जो भी खानी है चम्मच से तो चम्मच पकड़ लेता हूँ। तो जिनको औरों को तकलीफ है उनको क्या कहना चाहोगे? उनको यही कहना चाहेंगे जी, अगर आपको 2-3 झाड़ों में अंतर दिखाई देता है तो आप 7 पूरे ज़रूर करें, 7 झाड़ों की बात है यहाँ पे, और अगर आप 2-3 झाड़ों में अगर अंतर नहीं होता है किसी आदमी को तो वो बेशक ना आए। अच्छा
एक दो तीन झाड़े लगाने के बाद अगर आपको आराम होता है 30-35-40% तो 7 जरूर पूरे करें, आप अवश्य ठीक होंगे। अच्छा, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो यहाँ कुछ खर्चा पड़े भी लिया जाता है? ना जी, मेरे से तो आज तक 1 रुपये के लिए बोला नहीं है, और ना ही मेरे से और कुछ ये कहा गया भाई तुम्हें कुछ देना है या नहीं देना है, ना मेरे से कुछ लिया गया। चाय पानी पिलाते हैं यहाँ पे, आराम से सबको बैठाते हैं, घर से खर्चा करते हैं, अगले से कुछ नहीं लेते, ना कुछ मंगाते हैं भाई, कोई सामग्री लेके आनी है या कोई और आइटम लेके आनी है, कुछ नहीं। अच्छा, घर से कुछ नहीं लाना, सीधा पहुँचो, खाली खुद का शरीर लेके आना है, यहाँ झाड़ा लगवाओ और वापस चले जाओ। मैं 8वीं पास हूँ, सिग्नेचर करता था, बैंक में अकाउंट खोल रखा था वहाँ पे, तो वो सिग्नेचर नहीं होते थे। उन्होंने कई बार मेरे से कहा कि सिग्नेचर आपके इससे मिलते नहीं हैं, तो मैंने उनसे कहा जी मेरा हाथ काम नहीं करता, आप मेरा अंगूठे का निशान ले लो। अब दोबारा से मैंने उनसे सिग्नेचर की डिमांड की है और उन्होंने सिग्नेचर सेलेक्ट कर दिए मेरे, और दोबारा से सिग्नेचर करने लग गया मैं बैंक में। अच्छा, बैंक में फिंगरप्रिंट अंगूठा दे दिया था? हाँ जी, बीच में अंगूठा दे दिया था, और अब फिर वापसी सिग्नेचर दिए हैं, मैं सिग्नेचर करने लग गया इससे पेन पकड़ के। अच्छी, इतनी तकलीफ थी? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब साइन कर देते हो? हाँ जी बिल्कुल, पेन पकड़ के बिल्कुल जी, और सेलेक्ट भी होते हैं पहले वाले ही। अच्छा, जो पहले दिए थे रब दिए हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, बीच में सिलेक्ट नहीं होते थे। अच्छा, साइन मिल गए? हाँ मिल गए जी। बहुत बढ़िया। ये कितने झाड़े में पॉसिबल हुआ है? ये मेरे 7 हो गए जी पूरे। अच्छा। इन्होंने कहा था कि 7 झाड़े लगवाने पड़ेंगे, मैं लगातार आया हूँ, बीच में कोई छोड़ा नहीं, जबकि इन्होंने ये कहा था भाई मंगलवार को आ सकते हैं तो हर मंगलवार को आएँ, या शनिवार और मंगलवार दोनों आएँ, तो हमने लगातार शनिवार और मंगलवार आके 7 झाड़े लगवाए हैं। अब आगे देखेंगे, अगर थोड़ी बहुत तकलीफ रहेगी तो इनके पास फिर आने का कष्ट करेंगे ज़रूर। कहाँ से हो? तिलाना को। अच्छा, क्या दिक्कत है? मेरे पेट में दिक्कत थी। क्या हो गया था? इन्फेक्शन बताया था डॉक्टर ने जी पेट में, फिर दवाई वगैरह भी ली थी मैंने हॉस्पिटल तक, फिर पूरा झाड़ा लगवाया था, मेरा तीसरा झाड़ा 2 लगवा लिए, आराम है मेरे 2 झाड़े में। अच्छा, दवाई से आराम नहीं हुआ ना? अच्छा, कहाँ से हो जी? तिगड़ाना से। अच्छा, क्या तकलीफ थी? गोड्डे अंदर जी। इधर बैठ जाओ। कितने दिन से? ये कम से कम 15 साल से मैं सारा हैंडल लिया, मैंने नहीं सोचा कोई एरिया, ये कल बदरंग भाई मिल गया मैंने, उन्होंने बोले वहाँ चाय ले, फिर मैं यहाँ आया। तो उनको क्या तकलीफ थी? उनका ही गोड्डे की थी। हो गया ठीक? हाँ ठीक, ना आराम है पहले झाड़े में? पहले झाड़े में से कुछ। आपने अभी अभी लगवाया है? हाँ, ये अभी लगवाया के खड़ा हुआ। अच्छा, कुछ असर दिखा? हाँ दिखा जी। क्या? गोड्डे में कुछ हलवापन सा हुआ है। अच्छा अच्छा, आपसे बैठा नहीं जाएगा था, अब उकड़ू बैठ गए? हाँ उकड़ू बैठा जी। अच्छा, नहीं इतनी बार खड़ा नहीं रहा जा करता, बस वो शरीर काम में लग जाता। तिगड़ाना से। अच्छा, 4 साल तो ऊपर है गोड्डे का दर्द ने, मंदी सार MIR करवा ली, सार प्लस्तर जो भी डॉक्टर बताए उड़े सारे जा लिया, गोड्डा मोड़न तो बंद हो रहा है। ये बात यहाँ पहली बार देखो, इनका आराम तो है, इस शनिवार को बता रही है कुल आराम हो जाएगा, मतलब तकलीफ में मेरे भी 60-70 हज़ार की लाग जैसे गोड्डे गोड्डे में दर्द। देखो विश्वास करके आए, एक दो ने बताया है। अच्छा, अभी जो आपने पहला झाड़ा लगवाया? हाँ, ये पहला झाड़ा लगवाया, तो इसमें थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है? हाँ वैसे पाँ रिलैक्स हूँ सर, जगड़न सी वो मतलब महसूस हो रही थी रिलैक्स। देखो ये शनिवार ने फिर बुलाया। ये बजरंग भाई की। अच्छा, उनको भी ठीक होया है? हाँ उनको भी ठीक होया है, और ये जो है साथ में पड़ोस में तुम्हारे घर के नज़दीक आए थे, उनका भी काफ़ी आराम है, एक चाची है उसके भी आराम है, वो भी आए थे। अच्छा, उनको क्या दिक्कत थी? उनको मतलब हर एक जोड़ा जोड़ा में दर्द था, और जो छोटा भाई है उसका पेट में दर्द था, उसके भी काफ़ी आराम है, उसके उन्होंने बताई थी जब उनके साथ भी आ गया, आज पहला जा रहा है शनिवार ने फिर मिलाए। हाँ ठीक, हाँ जी, कहाँ से हो? दारेडू गांव से। अच्छा, तो आप यहाँ पे बालाजी धाम आए? हाँ, बालाजी धाम पे जी। तो क्या मनोकामना लेकर आए? ये बस झाड़ा थोड़ा शरीर में तकलीफ थी, और पहले मान ली बच्चे बच्चे की तकलीफ थी, तो उसमें फिर दवाई पानी ने दिया था अपना। अच्छा, पापा का गंडा बना के फिर उससे अपना हो गया था। अच्छा, अपना काम बढ़िया हो गया पापा की दाँत। मतलब आपकी वाइफ को बच्चे? हाँ। अच्छा, कितने साल से? ये जब 3-4 साल बाद फिर मैंने इन पर बनवा दिया था। अच्छा, नहीं शादी को कितने साल हो गए? शादी नहीं, 15 साल हो गए। अच्छा, तो इंतजार करके आए थे? बच्चा हो लिया? हाँ बच्चा हो लिया। अच्छा, लड़के बात एक लड़की भी हो ली। अच्छा हाँ। अच्छा, इनसे पढ़ लिया था? हाँ।
बहुत बढ़िया थी। अच्छा, और आपको पता कैसे चला इनका? यहाँ अपना रिश्तेदार जी। अच्छा, उनके थ्रू? उनके थ्रू। ओके। उनने भी लिया था, उनका भी हुआ है। क्या? लड़का ही हुआ उनका भी। अच्छा, उन्होंने बच्चे के लिए जो है यहाँ से? हाँ जी। झाड़ा लगवाया था क्या किया? झाड़ा भी अपना जो गंडा देते बना के। अच्छा, गंडा दिया था। हाँ, बहुत बढ़िया। उनकी शादी को कितने साल हो गए थे? उनकी मेरे से शायद पहला हुई थी। अच्छा, बाद में। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ करामात है? करामात तो सही, देखो जी, अभी आपने तो करामात सही आपने फल पाया है। हाँ, लग रहा है कुछ है। हाँ, कुछ है जी। अच्छा, तो आने वाले को क्या करोगे? आने वाले को ये कहीं भैया जाओ अपने दाम पे, वहाँ कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। सच्ची आत्मा तो जाओगे तो ज़रूर फल मिलेगा। अच्छा। हाँ जी। तो आपको जैसे बता रहे हो अभी बच्चा भी हुआ है। हाँ जी। तो कोई यहाँ से कितना चढ़ाया आपने? यहाँ चढ़ाया चढ़ाया कुछ नहीं जी। क्यों चढ़ाना क्या जी, दरबार में थोड़ी चढ़ता। अच्छा, दरबार में लेने के लिए आते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो कुछ आपसे? कुछ भी नहीं, एक रुपया भी नहीं जी। अच्छा। खाली जो अपना भी प्रसाद बांट दे, जैसे घर बांट दे चाहे यहाँ बांट दे, तो प्रसाद चाहे आप एक रुपया बांट दो चाहे क्या उनका बांट दो, बस वही है। अच्छा। हाँ जी। और कोई एक रुपया किसी प्रकार का नहीं, बिल्कुल फ्री सेवा। बिल्कुल फ्री सेवा जी। अच्छा। हाँ जी। 98-122।